मेरे लिए तरक्की का बाज क्या है और मेरे लिए तनदली का बाज क्या है। हर एक जानता है क्योंकि रोल को दोस्त हमारी हमारी रहनमाई कर रहा है। मैं एक ही बात कह रहा हूं और मेरे जहन में एक ही बात है कि हम खुदा से दुआ करें और शुक्रगुजार हो जो तीसरे जमाने में हमारे लिए खुदा ने हमें मददगार दिया। हम उसको गौर से सुने, उसको गौर से सुने, उसकी आवाज़ को गौर से सुनना, ये हमारा काम है और वो हमें बताएगा कि हमने किस तरफ जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहन, एक और बात जो समझने वाली है आज के मौके पर, वो बपतिस्मे की बात है। हम मसीही लोग हैं, हम मसीही लोग हैं, हम यीशु की तालीम को गलत तालीम नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं हम उसकी तालीम को, उसके असूल को, उसके कानून को, और उसके असूल को, कानून को, उसकी तालीम को, उसके फार्मूले को गलत नहीं कह सकते। उसका फार्मूला दुरुस्त है। उसका फार्मूला क्या है कि जाओ सारी दुनिया को बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, जब और ये भी खत में अबरानियों के खत में पढ़े, जो अबरानियों के नाम खत लिखा गया है उसका चौथा छठा बाप है, उसमें सक्रामेंटों के मुतल्लिक कहा गया कि हर सक्रामेंट की दूसरी दो बुनियादें मत डालो, दूसरी बुनियादें मत डालो, जो बुनियाद डाली गई है उस पर ही गौर फिक्र करना है। वही हमारे लिए निजात है और वही हमने अपनानी है। हम दुआ करें कि खुदा हमें रूह कुदस की बरकत, हलीमी, फरोतनी, समन, अकल, ये जो बरकत उसके ज़रिए हमें मिलती है, हम उनमें आगे बढ़े। आज की ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कारने मुतलिक बाप के हुजूर में मकबूल हो। आमीन। हम दुआ करें। अय खुदावंद खुदा, अता कर के तेरे बेटे के वादे के मुताबिक रूह कुदस इस कुर्बानी का गहरा रुफान हम पर जाहिर फरमाए। मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये बाकी बात वो नहायत मुनासिब है कि दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे शुक्र अदा करें। आज के दिन तूने पाशका के भेद को पूरा कर दिया, जो तेरे अखरोते बेटे के साथ शरीक हुआ, तेरे लेपालिक फर्जंदों का मर्तबा पा चुके हैं, उन्हें तू अपने रूह कुदस अता किया। उसी रूह कुदस ने कलीसिया की इब्तदा ही में तमाम कौमों को इलाही पहचान की नेमत अता की और मुख्तलिफ जबानों से एक ईमान का इकरार करवाया। इसलिए हम तेरी पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकदसों की जमात समेत ये कहते हुए तेरी हमदो तारीफ बयान करते हैं। कदूस आए मेहरबान बाप, हुआ क्या ही कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद।
बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नचात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिरों का तेरी इबादत करे। हम आजी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आप उसमें एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद करो, साथ हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप यूसुफ सोहन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई ऐसे कामल मोहब्बत अता फरमा, बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ हों। हमारे इन भाइयों और बहनों पर भी नजर का जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, इन तमाम रूहों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो उससे विनत करते हम सब पर रहम करता कि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, उसके शोहर मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूल और सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सके, उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझकार में मुतलिक खुदा बाप को और उनको उसके वाहदानियत में कामिल इज्जत और तआज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक, आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। हमारे बाप है खुदा, हम तो उससे विनत करते हैं सब बदियों से बचा, इंद्र में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद की पूरी होने और मसीह आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। आए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर, उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती आप सबों के साथ हो। अहम एक दूसरे की सलाम, जिंदा खुदा खबर जो जहान के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। मुबारक है हम सब जो उस बड़े की ज़ियारत में बुलाए गए। Yeah.
रुल्क से भर गए और खुदा के अजीब काम बयान करने लगे। हालेलुया, खुदावंद आपके साथ हो। हम दुआ करें। ऐ रहीम बाप, तू अपनी कलीसिया को आसमानी नहमतें अता करता है। जो फजल तू ने अता किया है उसे हम में महफूज रख, ताकि रुल्क की नहमत बराबर कायम रहे और ये रूहानी गजा हमें अवधी नजात दिलाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ में खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सबों पर हमेशा के हमेशा तक नाज़िल हो। बात खत्म हो चुकी, सुलह और सलामती से जाए। एक बार फिर आज बहुत बड़ी ईद रूह कुदस के रसूलों पर नाज़िल होने की आपको बहुत बहुत मुबारक हो।